तो आज हम बनाने जा रहे हैं न्यू मसाला वेज आटा नूडल्स। तो यहाँ पे मैंने गैस में चढ़ा दी है कढ़ाई, और कढ़ाई में एक गिलास पानी गर्म करने के लिए रखा है। यहाँ मैंने दो पैकेट लिए हैं नूडल्स के, और पानी गर्म हो चुका है, इसमें डाल दिए मैंने दोनों पैकेट। और गैस की फ्लेम को तेज करेंगे और इसे 80% तक ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। तो यहाँ पे मैंने टोकरी में इसको खाली कर लिया, ऊपर से ठंडा पानी और थोड़ा सा तेल ऐड कर दिया ताकि ये चिपचिपी नहीं होगी और खिली खिली बनेगी। तो वापस से कढ़ाई मैंने चढ़ा दी है गैस पे, और एक छोटा चम्मच तेल डाला है इसमें, और एक आधे चम्मच जीरा ऐड किया है, एक प्याज बारीक बारीक कटी हुई ऐड की है, और इसी के साथ एक हरी मिर्ची ऐड की है बारीक बारीक कटी हुई, और एक टमाटर ऐड किया है बारीक बारीक कटा हुआ, और आधी चम्मच नमक ऐड किया है, मटर ऐड की है एक कटोरी, और इसे मटर को पकने के लिए ढक्कन रखेंगे 5 मिनट के लिए। ढक्कन हटा दिया हमने अब, और मटर गल चुकी है यहाँ पे। तो जो मसाले के पैकेट आते हैं वो इसमें ऐड कर देंगे दोनों। देखिए इसमें भी मटर आती है जो सूखी सूखी है, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे ऐड करने जा रही हूँ नूडल्स। देखिए कितनी खिली खिली दिखाई दे रही है। यहाँ पे हम इसको एक बार मिला लेंगे, मिलाने के बाद देखिए कुछ इस तरह से दिखाई देती है ये। तो गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, और इसको थोड़ा सा गार्निश करेंगे हरे धनिए के साथ। तो यहाँ पे मैं करने जा रही हूँ सारू। देखिए इस तरह से मैंने कुछ सारू किया। मैगी में वैसे धनिया नहीं डालता, लेकिन मैं अपने हिसाब से अपने तरीके से धनिया डाल रही हूँ। धनिया ज़्यादा ऐड नहीं करना है। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए।